दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइको कंपनी का जो क्रेन है इसमें जो आपका क्रॉस ट्रैवल पैनल रहता है जिसको हम लोग सीटी बोलते हैं, सीटी पैनल का 110 वोल्ट का कंट्रोल वायरिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके साथ दोस्तों सीटी पैनल में क्या क्या फॉल्ट आता है इसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे दोस्तों अगर आप कोई भी कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं और ईओटी ओवरहेड क्रेन में काम कर रहे हैं तो देखिएगा कभी कभी क्या होता है, जो आपका प्रोडक्टिव पैनल में मेन कॉन्ट्रैक्टर रहता है तो मेन कॉन्ट्रैक्टर आपका कभी कभी ऑन नहीं होता है। तो पहले आपको क्या चेक करना है, पहले आपको सीटी एलटी मेन होस्ट एग्जुलरी होस्ट ये आपका जो चार गो मास्टर कंट्रोलर है चारों मास्टर कंट्रोलर को आपको देखना है कि जीरो पोजीशन में है या नहीं है, मतलब मास्टर कंट्रोलर आपका बीचों बीच है या नहीं है। बीचों बीच रहेगा तो मास्टर कंट्रोलर के अंदर में जो आपका किट रहता है एनसी बना हुआ रहेगा, तभी आपका क्या होगा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। अभी सिर्फ एलटी का मास्टर कंट्रोलर बीचों बीच देखने से नहीं होगा, एलटी मेन होस्ट एक्जुलरी होस्ट सीटी चारों मास्टर कंट्रोलर को जीरो पोजीशन में करना है, मतलब बीचों बीच करना है। उसके बाद आपको देखना है के प्रोडक्टिव पैनल में मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो आपका मास्टर कंट्रोलर में किट रहता है ये किट आपका एनो बन जाएगा, तब क्या होगा प्रोडक्टिव पैनल में मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होता है। इसी तरह से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। साइको कंपनी के क्रेन में काम कीजिएगा तो आपका मास्टर कंट्रोलर का जो किट रहता है प्रोडक्टिव पैनल के लिए इसका कनेक्टर नंबर कितना है, सीटी का है 12-13, एक्जुलरी होस्ट का है 11-12, मेन होस्ट का है 11-10 और एलटी का है 13-14। कनेक्टर में जाके भी आप आराम से चेक कर सकते हैं, सिर्फ आपको डायग्राम में देखना है कि कितना नंबर हमारा कनेक्टर है और एकदम बहुत आसान तरीका से चेक करना है। एक चेकिंग होता है, आप 100 वाट का बल्ब होल्डर लेके भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर में थोड़ा कभी कभी धोखा हो जाता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि बल्ब होल्डर दे के ही चेक कीजिएगा। अभी दो नंबर फॉल्ट के बारे में बताऊँगा और इसके साथ दोस्तों पहले हम लोग कंट्रोल वायरिंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे इससे पहले भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के समझाया हूँ प्रोडक्टिव पैनल एक्जुलरी होस्ट मेन होस्ट। देखिएगा शुरू शुरू में मैं कुछ भी आपका कॉन्ट्रैक्टर का नंबर थोड़ा थोड़ा डालता था और कनेक्टर नंबर वायर नंबर ये सब नहीं डालता था। पहले बेसिक नॉलेज का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी क्या होगा आज इस डायग्राम को बना के मैं जब समझाऊंगा तो आपको क्लीन समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। बहुत सारा फ्रेंड का ये भी रिक्वेस्ट है कि ये जो डायग्राम बनाकर आप समझाते हैं ये डायग्राम भी हम लोगों को दे दीजिएगा, तो ज़रूर दोस्तों आप लोगों को मैं डायग्राम भी दे दूंगा। इसके लिए मैं एक नया टेलीग्राम चैनल भी चालू किया हूँ, टेलीग्राम चैनल में आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। अभी पहले मैं आप लोगों को न्यूट्रल का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, इसके बाद आपका फेज का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों पहले आपको देखना है यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम एएच पैनल, मतलब जो आपका 10 नंबर और 20 नंबर कनेक्टर है ये आपका जो सीटी पैनल है इसमें जो 110 वोल्ट सप्लाई आ रहा है कहाँ से आ रहा है, एक्जुलरी होस्ट का पैनल से, और यहाँ से जो आपका आउट हो रहा है ये किस में जा रहा है, एलटी पैनल में, जिसको हम लोग लॉन्ग ट्रैवल बोलते हैं। ठीक है, अभी न्यूट्रल जो सप्लाई है ये किस तरह काम कर रहा है, न्यूट्रल आया, आने के बाद किस में आया, जो आपका कंट्रोल के लिए एमसीबी लगा हुआ है कंट्रोल वाला एमसीबी में आया। कंट्रोल वाला एमसीबी जिस हिसाब से आपका पैनल में लोड रहेगा उसी हिसाब से आपको लगाना है, किसी में आपका 6 एम्पियर का भी लगता है, किसी में 4 एम्पियर का भी लगता है, जिस हिसाब से आपका क्रेन रहेगा उस हिसाब से आपको लगाना है। कोई 100 टन का भी रहता है, कोई 50 टन का भी रहता है, कोई 10 टन का भी रहता है। तो न्यूट्रल सप्लाई आया किस में आया, एमसीबी में आया। जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तब हमारा यहाँ पे एनसी बनेगा, एनसी बनने के साथ साथ तुरंत 351 नंबर कनेक्टर में आपका न्यूट्रल सप्लाई आएगा।
आने के बाद जितना सारा आपका ए टू पॉइंट है, ए टू पॉइंट में मैं शुरू में ही आप लोगों को जो भी वीडियो बनाता हूँ सब में बोलता हूँ, ए टू में आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अभी जो आप डायग्राम देख रहे हैं, जैसे आज ये सीटी पैनल का आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है पहले कि कौन कौन सा हमारा पावर कॉन्टैक्टर है, कौन सा हमारा टाइमर है और कौन सा हमारा रेजिस्टेंस के लिए कॉन्टैक्टर है। पावर कॉन्टैक्टर कौन सा है, 3C1 यह हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, 3C2 यह हमारा रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, 3C7 यह हमारा ब्रेक थायरिस्टर के लिए कॉन्टैक्टर है पावर का, और यह हमारा ऑन डिले टाइमर है 3T1। मतलब ये फास्ट वाला जैसे ही टाइमर ऑन होगा उसके बाद से ही हम लोगों को रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए, उस हिसाब से ही आपको डायग्राम देखना भी आना चाहिए। और डायग्राम जब भी आप देखिएगा हमेशा एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ये जो न्यूट्रल है और फेज है इसमें कभी भी आपका शॉर्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ये हमारा पावर कॉन्टैक्टर है, ए टू में हम न्यूट्रल सप्लाई दिए हैं, ए वन में हम फेज सप्लाई दिए, तो इसके अंदर में कॉयल लगा हुआ है इसीलिए हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। चाहे एक 100 वाट का बल्ब होल्डर भी जलाइएगा तो एक न्यूट्रल और फेज दीजिएगा तो न्यूट्रल और फेज आपका बल्ब होल्डर में पहुँचेगा तभी आपका बल्ब जलेगा। ईओटी ओवरहेड क्रेन में जब भी आपका फॉल्ट आएगा, जब भी आप फॉल्ट को रिपेयर कीजिएगा, ज़्यादातर 100 वाट का बल्ब होल्डर से ही चेक कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपका डबल गटर का क्रेन रहता है इसमें काम का सुविधा के लिए 110 वोल्ट का कंट्रोल सप्लाई रहता है। आज इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को 110 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई का ही वायरिंग बता रहा हूँ। अभी इसके बाद हमारा आ जाता है क्या कि रेजिस्टेंस वन का कॉन्टैक्टर 3C40, इसके बाद हमारा टाइमर है, इसके बाद हमारा रेजिस्टेंस टू है 3C41, और ये हमारा तीन नंबर रेजिस्टेंस है 3C42। तो ये आप अच्छा से एक्सपीरियंस बना लिए कौन क्या है नहीं है, अभी कनेक्शन आपको समझना है। तो साइको कंपनी का जो क्रेन है इसमें जो आपका न्यूट्रल आ रहा है इसका साथ आपका क्या कनेक्शन दिया हुआ रहता है, लीवर टाइप लिमिट स्विच। LT में और CT में आपका लीवर टाइप लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है। लिमिट स्विच जब तक आपका ANC बना हुआ रहेगा तभी तक आपका क्या होगा, दोनों जो पावर कॉन्टैक्टर है फॉरवर्ड और रिवर्स इसमें आपका न्यूट्रल सप्लाई पहुंचेगा। कोई कारण से ये जो लीवर टाइप लिमिट स्विच है ये NO हो जाएगा तो आपका न्यूट्रल सप्लाई नहीं पहुंचेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि बल्ब होल्डर में ही चेक कीजिएगा, टेस्टर में चेक करने से कभी कभी धोखा हो जाता है। और ये जो लीवर टाइप लिमिट स्विच है जब आपका नया क्रेन रहता है तब आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब क्रेन पुराना हो जाता है तब क्या होता है, ये लीवर टाइप लिमिट स्विच को बाईपास कर दिया जाता है। बाईपास करने के लिए क्या करना है, ये जो दोनों आपका लीवर टाइप लिमिट स्विच के अंदर में किट है ये दोनों किट खोल दीजिएगा तो न्यूट्रल यहाँ से एकदम डायरेक्ट A2 में दे दिया जाएगा, तभी आपका लिमिट स्विच बाईपास हो गया। एकदम बहुत ही सिंपल तरीका, और जिस हिसाब से मैं न्यूट्रल का कनेक्शन आप लोगों को बताया हूँ सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। अभी दोस्तों कभी कभी क्या होता है, सिटी में हम लोगों को लोड भी नहीं लेता है और आपका झटका लेता है, ये मैं आपको तीन नंबर पॉइंट में बताऊंगा। जब आपका सिटी में झटका ले रहा है उस टाइम आपको क्या क्या चेक करना है, आपको चेक करना है पहले ही टाइमर का, टाइमर का सेटिंग आपका किस तरह किया हुआ है। टाइमर का सेटिंग जैसे मान लीजिए ये हम 0.1 सेकंड, इसके बाद 0.2 सेकंड, इसके बाद 0.3 सेकंड में सेटिंग किए हैं, इसी तरह से आपको सेटिंग करना है। अगर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में सेटिंग कर रहे हैं तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, ऐसा मान लीजिए कि 1 सेकंड के साथ सेटिंग किए फिर आप 5 सेकंड में कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड इस हिसाब से सेटिंग करना है। अगर 3 सेकंड से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 3, 4, 5 इस हिसाब से। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जब आपका एक रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन होगा उसके साथ आपका क्या होगा, 1 सेकंड के अंदर में रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर भी ऑन होना चाहिए, तब क्या होगा बिल्कुल भी झटका महसूस नहीं होगा। और ईओटी ओवरहेड क्रेन में जो आपका क्रेन ड्राइवर रहता है वो भी आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि सिटी में हमारा झटका ले रहा है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को फेज का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो फेज सप्लाई हमारा किस में आ रहा है, हमारा 10 नंबर कनेक्टर में आ रहा है। किस में आ रहा है, कंट्रोल वाला MCB में। जब हम MCB को ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पे NC बनेगा, NC बनने के साथ किस में आ जाएगा, थर्मल ओवरलोड रिले में।
थर्मल ओवरलोड रिले में किस में आएगा, एनसी पॉइंट में आएगा। एनसी पॉइंट में हमारा 95, 96 रहता है। जब तक आपका एनसी बना हुआ रहेगा तभी तक क्या होगा, सप्लाई हमारा आगे आएगा। आगे आने के बाद किस में आएगा, एसपीपी टू या SPP 3, SPP 5। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो सिटी में हम लोगों को कौन सा लगा हुआ है, SPP 3। RYB तीनों फेज सप्लाई आएगा तभी क्या होगा, ये NC बनेगा। इसमें से कोई एक फेज नहीं आएगा तो आपका NO हो जाएगा। NO होगा तो टोटली आपका कंट्रोल सप्लाई बंद हो जाएगा। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि तीनों फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये टोटली आपका किस में वायरिंग होता है, पावर को वायरिंग में, ठीक है। कंट्रोल के लिए सिर्फ दो गो वायर रहता है, जो आपका SPP 3 लगा हुआ है इसका जो NC पॉइंट है इसी में आपका कनेक्शन दिया हुआ रहता है। यहाँ से हमारा आ जाता है 353 नंबर कनेक्टर में, किस में आ जाता है, मास्टर कंट्रोलर में। अभी सिटी में जो आपका मास्टर कंट्रोलर लगा हुआ रहता है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो बना कर आप लोगों को समझाया हूँ कि 4x6 क्या होता है, 4x10 क्या होता है, 4x3 क्या होता है। अगर प्रैक्टिकल वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। मास्टर कंट्रोलर के ऊपर जो भी डाउट है आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में मास्टर कंट्रोलर में किस तरह से वायरिंग किया जाता है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूँ। अभी हमारा जो फॉरवर्ड साइड है सिटी में, तो फॉरवर्ड साइड हमारा किस तरह काम कर रहा है। और दोस्तों ये जितना सारा आपका कनेक्टर का सिंबल दिया हुआ है ये सब बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमको ये कंट्रोल वायरिंग के साथ साथ फॉल्ट के बारे में भी बताना है। और अभी के डेट में क्या हो रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम अभी तक 15 से 20 वीडियो बना देंगे तब क्या होगा, बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। काहे के IoT ओवरहेड क्रेन में अभी क्या है, VFD सिस्टम है, तो VFD के ऊपर भी वीडियो बनाना है, WMI क्रेन के ऊपर भी बनाना है, इलाइट क्रेन के ऊपर भी बनाना है। बहुत सारा फ्रेंड का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है। तो ये जो हमारा फॉरवर्ड साइड किस तरह काम करेगा, जो आपका मास्टर कंट्रोलर का किट है ये आपका NC बनेगा। जब NC बनेगा तो हमारा किस में आएगा, ये 3C2 क्या है, हमारा रिवर्स का कॉन्टैक्टर है। रिवर्स का कॉन्टैक्टर का NC में आएगा, NC से आउट होगा, A1 में आ जाएगा। कोई कारण से मान लीजिए कि आपका फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो आपका रिवर्स वाला का NC चेक करना है, और रिवर्स वाला नहीं चल रहा है तो फॉरवर्ड वाला का NC चेक करना है। और जिस तरह से दोस्तों मैं बना के रखा हूँ साइको कंपनी का क्रेन में काम कीजिएगा तो सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। अभी रिवर्स साइड हमारा किस तरह काम करेगा, जब आपका फॉरवर्ड साइड चलेगा तब आपका रिवर्स साइड नहीं चलेगा, जब रिवर्स साइड चलेगा तब आपका फॉरवर्ड साइड नहीं चलेगा। अभी रिवर्स साइड का किट जब आपका NC होगा तब क्या होगा, यहाँ से हमारा सप्लाई आएगा, मतलब फेज सप्लाई आ रहा है। किसके थ्रू, कनेक्टर के थ्रू आ रहा है 3C1। ये जो हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है इसका NC से होते हुए आ रहा है, किस में आ रहा है, 3C2। मतलब जो हमारा रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन होगा। और इसी तरह से दोस्तों देखिएगा रिवर्स फॉरवर्ड का भी एक प्रैक्टिकल वीडियो बना कर भी मैं आप लोगों को समझाया हूँ। अभी बहुत सा फ्रेंड का ये डाउट है कि अगर ब्रेक का कॉन्टैक्टर नहीं रहेगा तो हम किस तरह से कनेक्शन करेंगे। तो इस जगह में दोस्तों देखिए, कोई मास्टर कंट्रोलर से हम कनेक्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट 110 वोल्ट लेके जो आपका पावर का कॉन्टैक्टर है, एक फॉरवर्ड का एक रिवर्स का, इसी का दोनों NO से कनेक्शन दे दिए हैं। जो भी लोकल बैंड का क्रेन रहता है यही सेम टू सेम आपको कनेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे इस जगह से मैं मास्टर कंट्रोलर का जो वायर है यहाँ से टैप किया हूँ, आप यहाँ से नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट MCB के पास से भी टैप कर सकते हैं, मतलब जो आपका फेज सप्लाई है ये आप ले सकते हैं, या थर्मल ओवरलोड रिले से भी लीजिएगा, फिर भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ 110 वोल्ट सप्लाई आपका ये जो पावर कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट है, NO पॉइंट में आना चाहिए। अभी जब आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर ऑन होगा तभी क्या होगा, ये जो 3C1 फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है ये NO क्या होगा, NC बनेगा। जब आपका NC बनेगा तब क्या होगा, 3C7 ब्रेक थ्रस्टर का कॉन्टैक्टर ऑन होगा। इसके साथ दोस्तों और एक टाइमर भी आपका ऑन होगा, 3T1। अभी ये जो टाइमर है ये हमारा कौन सा टाइमर है, ये हमारा ऑन डिले टाइमर है। तो ऑन डिले टाइमर जैसे ही ऑन हो गया तो इसके बाद से हमारा क्या होगा, अभी रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। तो मैं पहले ही बताया हूँ, जब रिवर्स साइड चलेगा तब फॉरवर्ड साइड नहीं चलेगा, जब फॉरवर्ड साइड चलेगा तब आपका रिवर्स साइड नहीं चलेगा।
तो अभी हमारा रिवर्स साइड चल रहा है, तो रिवर्स साइड चलने जैसे ही आपका चालू हो गया तो हमारा पावर कॉन्टैक्टर भी ऑन हो गया 3C2, ठीक है। तो 3C2 जैसे ही ऑन हुआ तो 3C2 इसका जो एनो पॉइंट है NC बना, NC जैसे ही बनेगा तो आपका क्या होगा, ब्रेक थायरिस्टर का कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा और 3T1 जो ऑन डिले टाइमर है ये भी ऑन हो जाएगा। क्या है कि इस जगह में 365 नंबर वायर देकर आपका लूप किया हुआ है, जब भी ऑन होगा दोनों एक साथ में ऑन होगा। तो ब्रेक थायरिस्टर का कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और ये टाइमर भी आपका ऑन हो गया। जब आपका टाइमर ऑन हो गया, ये टाइमर का हम 0.1 सेकंड में सेटिंग करके रखे हैं, तो 0.1 सेकंड जब होगा तब क्या होगा, ये टाइमर का जो एनो पॉइंट है ये हमारा NC बनेगा। जब NC बनेगा तब आपका 3C40 ये जो रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर है ये आपका ऑन होना चाहिए। कब ऑन होगा, जब आप रिवर्स का जो मास्टर कंट्रोलर का किट है ये भी NC बना और ये जो आपका रेजिस्टेंस वन के लिए मास्टर कंट्रोलर का किट है ये भी आपका NC बनेगा, तभी आपका क्या होगा 3C40 का रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर ऑन होगा। कोई कारण से आपका मान लीजिए कि 3C40 का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो उस टाइम सीधा सा बात है कि आपको क्या चेक करना है, पहले आपको चेक करना है कि ये जो दोनों पावर कॉन्टैक्टर है इसमें से कौन वाला कॉन्टैक्टर आपका ऑन हुआ है और ऑन होने के बाद ये जो आपका एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट आपका NC बना है या नहीं बना है। कोई कारण से NC नहीं बनेगा तो सीधा सा बात है ये टाइमर आपका ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर आपका ऑन नहीं होगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको चेक करना है। अभी यहाँ पर हमारा NC बन गया किट रेजिस्टेंस वन के लिए, जब NC बना तो हमारा ये 3C40 रेजिस्टेंस का जो एक नंबर कॉन्टैक्टर है ये भी ऑन हो गया। इसके बाद हमारा 3T2 ये जो टाइमर है ये टाइमर भी आपका ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा किस तरह से इंटरलॉक दिया हुआ है, जो आपका रेजिस्टेंस वन के लिए कॉन्टैक्टर है 3C40 इसी का जो एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट से हमारा इंटरलॉक दिया हुआ है, क्योंकि मास्टर कंट्रोलर का किट जब आपका NC बनेगा तो यहाँ से 110 वोल्ट सप्लाई आएगा, आने के बाद एक जो आपका फेज सप्लाई है ये आपका क्या होगा 3C40 इसका एनो पॉइंट में कनेक्शन हुआ, ठीक है, और यहाँ से हमारा आउट होगा। जब आपका 3C40 कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा तभी आपका क्या होगा 3T2 टाइमर ऑन होगा। अभी इस टाइमर का हम कितना सेकंड में सेटिंग करके रखे हैं 0.2 सेकंड। जब आपका 0.2 सेकंड हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो हमारा टाइमर का एनो पॉइंट है ये NC बनेगा और 3C41 ये रेजिस्टेंस का दो नंबर कॉन्टैक्टर है ये आपका ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा उसके साथ आपका 3T3 टाइमर भी ऑन हो जाएगा और ये टाइमर को हम कितना सेकंड में सेटिंग करके रखे हैं 0.3 सेकंड में, ठीक है। अब 0.3 सेकंड होगा तभी क्या होगा 3T3 ये जो एनो पॉइंट है ये आपका NC बनेगा और 3C42 ये रेजिस्टेंस का तीन नंबर कॉन्टैक्टर आपका ऑन होगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है, जो आप रिवर्स साइड या फॉरवर्ड साइड चला रहे हैं तो पहले ही आपको देखना है कि हमारा फॉरवर्ड साइड का किट NC हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस थ्री ये जो तीनों किट है ये तीनों किट भी आपको NC होना चाहिए। NC होगा तभी आपका फेज सप्लाई आएगा। अगर कोई कारण से ये NO हो जाएगा तो आपका फेज सप्लाई नहीं आएगा। इसी तरह से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। जब तक चेक नहीं कीजिएगा तब तक क्या होगा, आपके अंदर में डाउट बना हुआ रहेगा। और जिस तरह से मैं डायग्राम बनाकर आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर आपके पास साइको कंपनी का क्रेन है तो एक बार आपको मिला के भी देखना है कि सेम टू सेम मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी 6 नंबर फॉल्ट के बारे में बताऊँगा। देखिएगा, बहुत सारा फ्रेंड हमसे ये भी कॉमेंट किया है कि हमारा ब्रेक के लिए जो कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर नहीं है तो हम कनेक्शन किस तरह करेंगे। तो दोस्तों सिर्फ ये कॉन्टैक्टर हम यहाँ से हटा भी देंगे फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज़ आपका सेम रहेगा। तो यहाँ से हमें इस कॉन्टैक्टर को हटा दिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो आपका ब्रेक लगा हुआ रहता है ब्रेक के लिए भी
जो थ्री फेज सप्लाई है RYB वो ब्रेक थायरिस्टर में पहुंचना चाहिए। इसके लिए जो आपका मोटो टर्मिनल है, जैसे फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए जो पावर कॉन्टेक्टर है, इसमें से थ्री फेज जा रहा है, तो मोटो टर्मिनल से आपको 3 गो वायर दे के थायरिस्टर में कनेक्शन कर देना है। तब क्या होगा, ब्रेक का कॉन्टेक्टर रहे या ना रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस बनाना है। अभी 7 नंबर फॉल्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। 7 नंबर फॉल्ट भी देखिएगा, बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्या कि सीटी हमारा लोड नहीं ले रहा है। तो सीटी लोड कैसे लेगा, पहले आप क्रेन में गए, क्रेन में जाने के बाद पहले देखना है कि रिवर्स और फॉरवर्ड जो पावर कॉन्टेक्टर है ये आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्टेक्टर आपका काम कर रहा है, इसके बाद आ जाता है हमारा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे 1 नंबर रेजिस्टेंस हमारा जो कॉन्टेक्टर है ऑन हुआ, लेकिन 2 और 3 ऑन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, लोड तो ठीक से लेगा नहीं। तो आपको 2 और 3 रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को भी आपको चेक करना है, और किस तरह से चेक करना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर ऑलरेडी समझाया हूँ। सिर्फ दूर से देखने से नहीं होगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस का 2 नंबर और 3 नंबर कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, ऑन होने के साथ साथ रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का अंदर में जो 3 गो कीट है, तीनों कीट को भी आपको चेक करना है, तभी पता चलेगा कि सिटी में हमारा किस लिए लोड नहीं ले रहा है। जब तक कॉन्टेक्टर का कीट चेक नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और एक क्या होता है, ये जो टाइमर का एनो पॉइंट है, ज़्यादातर BCH का टाइमर में आपका क्या होता है, ये टाइमर का एनो पॉइंट खराब हो जाता है। चाहे कोई भी कंपनी का क्रेन रहे, देखिएगा आपको ये फॉल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर रहता है उस पर भी ज़्यादातर आपका ये एनो पॉइंट है आपका खराब हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ये 3C41 ये कॉन्टेक्टर हमारा किसमें है, रेजिस्टेंस 2 नंबर के लिए लगा हुआ है, और इस जगह में आपका एनो पॉइंट खराब है, तो ये तो ऑन होगा नहीं। जब ऑन नहीं होगा ऑटोमेटिकली सिटी में लोड नहीं लेगा, क्योंकि सिटी में लोड लेने के लिए तीनों रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर आपका ऑन होना चाहिए। अभी और एक डाउट है जो बहुत सारा फ्रेंड पूछा है, यह 8 नंबर पॉइंट में बताऊंगा। क्या हम लोगों के पास सिटी में 2 गो स्टेप है और नहीं है, या किसी का 1 स्टेप है, तो हम कनेक्शन किस तरह करेंगे। तो सीधा सा बात है, जब आपके पास नहीं है तो ये दोनों आपका नहीं रहेगा, यहाँ से दोनों अलग हो जाएगा। जब मान लीजिए कि हमको 1 स्टेप में ही बनाना है, तो यहाँ से हम हटा देंगे, सीधा सा हटा देंगे, तो क्या होगा, हमारा साइड हो गया, हमारा 1 स्टेप है, 1 स्टेप में ही काम करेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 2 कॉन्टेक्टर है, मतलब 2 स्टेप का है, 2 स्टेप है, तो लास्ट वाला हट जाएगा, काहे कि इसका तो कनेक्शन आपको करना ही नहीं है। इसी तरह से दोस्तों बहुत आसान तरीका से आपको डायग्राम देखना भी है, और डायग्राम देखने से पहले ये जितना सारा सिंबल मैं बना के रखा हूँ इसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जब तक ये जितना सारा सिंबल मैं बना के रखा हूँ, ये सिंबल के बारे में आप एक्सपीरियंस नहीं बनाइएगा, डायग्राम देखने में उतना ही आपको दिक्कत होगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ, और जितना हो सके मैं आप लोगों का हेल्प करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।